तो जैसे कि हम लोग पहले से ही तैयार थे, हम लोग तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड में आके ऑटो बुक कर लिया हूँ। आज हम लोग निकलेंगे मौला की माता के मंदिर और साथ में जाएंगे बाबा भामदेव के जन्म स्थल पर। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि पहले आप लोग को बोल चुका हूँ, मैं तारापीठ कई बार आ चुका हूँ, आप लोग भी शायद बहुत बार आ चुकेंगे, लेकिन आज आप लोग देखेंगे बंगोभूमि के यूट्यूब के चैनल के द्वारा। आपको बताएंगे यहाँ का बहुत कुछ जो है उसके बारे में, डिटेल्स में बताएंगे। तो पहले हम लोग माँ तारा का दर्शन किए थे, अगले रात में अभी निकल गए बाबा भामदेव को जन्मस्थल, जो कि मौजूद है आटला ग्राम में। तारापीठ से लगभग लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में ये आटला ग्राम आता है, और ये रास्ते पकड़ के हम लोग जाएंगे आटला के दर्शन में। जाते जाते रास्ते में नज़र आया बहुत सारे खूबसूरत फूलों का पेड़ जो कि पूरा खिला हुआ था। तो जैसे हम लोग जानते हैं माँ दक्षिणेश्वरी मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस देव माँ का बेटा जैसा था, ठीक उसी तरह ये तारापीठ मंदिर में बाबा वामदेव माँ का बेटा जैसे ही था। तो जाएंगे उनके घर पे, जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं बाबा वामदेव का जन्मस्थल, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है यहाँ पे। तो साधना কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, খুব ভালো। शहर की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से बहुत दूर गांव की परिवेश किसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मनमुग्धकर परिवेश जो मन को अंदर से छू जाता है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे बाबा वामदेव आटला की जन्मभूमि पर। पहुंच ही गए हैं, वो दूर में आपको दिख रहा है वो चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपका गाड़ी पार्किंग होगा। उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 2 या 3 मिनट की दूरी पे है। यहाँ पे बहुत सारे वामदेव का घर मिलेगा, सब कोई बोलेगा ये असली है वो असली है। उसके भी कारण बताता हूँ कैसा क्यों है। हम लोग अभी पहुँच गए हैं आटला बाबा वामदेव के जन्मस्थल पर। यहाँ से कुछ दूर चलते ही शुरू हो जाएगा वामदेव बाबा जन्मस्थल का जो घर है वो। हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं इसलिए हम लोग को पता है। तो आप लोग जब नया आएंगे तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 या 3 वामदेव का घर बना हुआ है, सब कोई आपको बोलेगा ये इधर आइए, ये मिट्टी का घर बाबा वामदेव का असली है, वो बोलेगा इधर आइए ये वाला असली है। तो देखिए आस्था का विषय है, आप लोग जब आएंगे तो सभी जगह दर्शन करेंगे। और ऐसा क्यों कि ये तीन तीन बना है, पहले 2 था अभी 3 बन गया है। सब कोई बोलता है कि ये असली है ये असली है, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इसके भी जवाब हम देंगे वीडियो के एंड पे। तो वीडियो देखते रहिए और धीरे धीरे आपको सब डिटेल्स बताते रहेंगे। दोस्तों बहुत दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, उधर एक देख रहे हो पहले नया बना है, पहले ये वाला था और ये जो सामने मिट्टी का बना ये वाला था। तो हम लोग इस मिट्टी वाला में ही जाएंगे क्योंकि हम लोग जब से आ रहे हैं तब से इसी में जा रहे हैं और इसी को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जब आएंगे आपको बोलेंगे सभी दर्शन कीजिएगा, क्योंकि यह पहले ही बोल चुका हूँ आस्था का विषय है। तो जब बाबा वामदेव जन्म ग्रहण किया था इस आटला में, ये जो मूल भूखंड है ये एक ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे उनका भाई बहन सब आता गया और धीरे धीरे उसका परिवार जब बढ़ते गया, तो आज के डेट में ये हुआ जो मूल भूखंड था उसको परिवार ने आपस में बांट लिया है। तो जब मूल भूखंड को आपस में बांट लिया है तो ऑब्वियसली सब अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाने से सबका ही असली है, लेकिन एक्चुअली कौन से जगह में बाबा वामदेव जन्म लिया था वो थोड़ा डिफिकल्ट है आज के दिन में निकालने के लिए। तो हम कोशिश किए थे अंदर दर्शन करवाने के लिए, लेकिन अंदर फोटोग्राफी मना है तो इसलिए कर नहीं पाया। तो बाहर से दिखाते हैं कि बाबा वामदेव का जो पूर्वज का जो मंदिर था, जो उनका जमीन तो इस बंटवारे में 2-3 हिस्सा हो गया है, लेकिन मंदिर अभी भी वैसा ही है। तो आपको मंदिर वो दिखाते हैं, मंदिर अभी भी वैसा ही है जहाँ पे बाबा वामदेव उनके पिता के साथ पूजा करता था, जो कि ये घर के साथ सटा हुआ है। तो चलिए आपको वो मंदिर को दर्शन करवाते हैं जो एकदम ये घर के साथ ही सटा हुआ है। তো মন্তব্য বা টপিক না করাই ভালো, আসুন শুদ্ধ নিবেদন করুন, ভক্তি করুন এবং নিজের গন্তব্যস্থলে ফিরে যান। ये है वो शिवलिंग का मंदिर जहाँ पे अंदर में बाबा
शिवलिंग के रूप में विराजमान है, और यहाँ पे ही पूजा होता है। यहाँ पे भी जब फोटो करने गए, मंदिर मंदिर के मूर्ति को दर्शन करवाने गए तो मना कर रहा था। और ये है जो नया वाला आपको बोल रहे थे पहले, जो नया बना है ये वही वाला है। तो यहाँ पे भी आपका फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये भी वो ज़मीन का ही हिस्सा है जो बंटवारे में अलग हुआ है। यहाँ पे भी एक बाबा का मंदिर स्थापन किया गया है, इसको भी बोला जाता है इसलिए। तो ये आस्था का विषय है, छोड़िए। आप आइएगा तो दर्शन कीजिएगा। अभी हम लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया है। अभी हम लोग यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेंगे माता मौलक्षी के मंदिर के तरफ। जैसे आपको पहले ही कहा था, माता मौलक्षी में माता जो कि स्थित है झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में। मेनली ये बॉर्डर तो बोल नहीं सकते क्योंकि पूरा पूरी झारखंड में स्थित है माता मौलक्षी का मंदिर। और वहाँ पे और बहुत सारा चीज़ है जो आपको दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे। और इतना बोलते हैं कि इतना आपको कोई नहीं दिखाया दोस्तों। वीडियोग्राफी रिस्ट्रिक्शन होने के कारण मैं आपको वामदेव का जन्मस्थल का दर्शन नहीं करवा पाया ठीक से, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इसी रास्ते से चलते हुए आपको एक डेढ़ किलोमीटर में ये सामने जो दिख रहा है, ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है जो कि नया नया बना हुआ है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इस वाटर पार्क का मज़ा आप लोग उठा सकते हैं, जो कि आटला से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर में ही है। तो आप लोग चाहे तो इसमें इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अभी जाएंगे माता मौलक के मंदिर, तो इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है जैसे आपको पहले ही बताया है। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे माता मौलक के मंदिर, ये गांव के रास्ते से होके आगे होते हुए जाएंगे। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जुड़े रहिएगा कि ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दे पाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं आगे।